Hey guys, हम लोग आज करते हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अच्छा मेरे को बताओ लाप्लास ऑफ वन क्या है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म का वीडियो किया था ना लास्ट टाइम। लाप्लास ऑफ वन क्या है, वन बाय एस। अच्छा लाप्लास ऑफ वन अपॉन लाप्लास ऑफ सॉरी ई रेशू ए टी क्या है, वन अपॉन एस माइनस ए, और अगर माइनस ए टी देगा तो क्या आ जाएगा, प्लस ए। जो इससे ये ना मैं लाप्लास इनवर्स के फॉर्मूले से क्या करता। अच्छा लाप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस क्या आएगा, वन। मतलब मैं क्या कर इसको इधर शिफ्ट कर दे तो लाप्लास क्या आ जाएगा, लाप्लास इनवर्स सेम। इसको इधर शिफ्ट कर दो क्या आ जाएगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ वन बाय एस प्लस ए। क्या आंसर आएगा, ई रेस टू माइनस ए। तो सिमिलरली लाप्लास इनवर्स ऑफ वन बाय एस माइनस ए क्या आएगा, ई रेस टू ए टी ना। ठीक है तो देखो लाप्लास में क्या आता है, टी डोमेन से एस डोमेन में जा रहा था हम लोग, इसमें क्या एस डोमेन से टी डोमेन में ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है तो अभी देखो लाप्लास इनवर्स ऑफ नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका लाप्लास एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, कॉस ए टी ना। ठीक है नेक्स्ट लाप्लास इनवर्स ऑफ ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बेसिकली आंसर क्या आता है, साइन ए टी। बट मेरे को जनरलाइज करना है तो मैं यहाँ पे ए नहीं लूँगा, मैं क्या लूँगा, वन। तो ये ए को कैसे एडजस्ट करूँगा मैं, यहाँ पे न्यूमरेटर में ना, यहाँ पे क्या जाएगा डिनोमिनेटर। ओके नेक्स्ट लाप्लास इनवर्स ऑफ वन बाय एस रेस टू एन पी रेस टू एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल। ओके तो ये सारे लाप्लास के फॉर्मूले हो गए इनवर्स के। ओके हाँ तो अभी देखो ये फॉर्मूलेज हो गए, और भी और कुछ फॉर्मूलेज है। देखो जैसे फर्स्ट शिफ्टिंग है उसके भी फॉर्मूलेज हैं इसमें। ठीक है जैसे लाप्लास में भी थे ना, हाँ फर्स्ट शिफ्टिंग क्या है, फर्स्ट शिफ्टिंग लाप्लास ऑफ ई रेस टू बी टी कॉस ए टी। अच्छा तो एक बार ई रेस टू बी टी को भूल जाओ, कॉस ए टी का लाप्लास क्या होता है बताओ, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अभी डिस्कस किया ना मैंने, कॉस ए टी है ना, लेकिन आगे ई रेस टू बी टी मतलब क्या करने का, फर्स्ट शिफ्टिंग। तो फर्स्ट शिफ्टिंग क्या होता है, एस को किसी रिप्लेस करने का एस माइनस बी से, किसी रिप्लेस करने का एस माइनस बी से। तो रिप्लेस किया चलो एस माइनस बी दो होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है तो अभी इनवर्स में कैसे यूज करेंगे, देखो लाप्लास इनवर्स ऑफ एस माइनस बी मतलब इधर जाएगा तो लाप्लास इनवर्स हो जाएगा ना, एस माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ऑब्वियस ये आंसर होना चाहिए मुझे। ठीक है कैसे आता है, देखो इनवर्स में कैसे सिंप्लीफाई करने का, फर्स्ट ऑफ ऑल इनवर्स में उल्टा जाने का, एस माइनस बी को एस से कैसे रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे बाहर ई रेशू बी टी ले लूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा वन बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ना। ठीक है तो बेसिकली आंसर क्या आएगा, ई रेस टू बी टी। ओके हाँ सॉरी वन नहीं आएगा, ऊपर क्या आएगा एस आएगा ना, बिकॉज एस माइनस बी रिप्लेस बाय एस ना। ठीक है तो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, किसका फॉर्मूला है, कॉस ए टी ना। समझा सिंपल है, क्या करना है मेरे को इनवर्स में क्या करना है, अगर एस माइनस बी आया तो ई रेस टू बी टी लेने का, एस प्लस बी आया लेकिन थ्रू आउट रहना चाहिए, यहाँ पे भी एस माइनस बी यहाँ पे भी एस माइनस बी, तो एस प्लस बी आया तो ई रेस टू माइनस बी टी, और माइनस आया तो ई रेस टू प्लस बी टी। ओके लाप्लास इनवर्स आ गया। चलो नेक्स्ट अभी देखो नेक्स्ट भी करते एक सम कर देते सी रिलेटेड, लाप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस प्लस टू रेस टू फाइव। ओके क्या आएगा, चलो अभी एस प्लस ए रेस टू फाइव तो फॉर्मूला क्या है, एस प्लस ए रेस टू नहीं, एस प्लस ए है कि रेस टू एन है, नहीं है फॉर्मूला है ही ना ऐसा, तो एस प्लस ए रेस टू एन तो कोई फॉर्मूला नहीं, तो इससे रिलेटेड क्या फॉर्मूला है, एस वन अपॉन एस रेस टू एन का फॉर्मूला है। तो दिख रहा है कोई फर्स्ट शिफ्टिंग का, बिकॉज एस रेस टू एन का फॉर्मूला है, एस प्लस ए रेस टू एन का नहीं। तो काम करो ये टू हटा दो, कैसे हटेगा, ई रेस टू माइनस टू की बाहर ले लिया तो क्या हो जाएगा, वन बाय एस रेस टू फाइव ना, एस प्लस टू विल बी रिप्लेस बाय एस ना, है ना फर्स्ट शिफ्टिंग ना, है ना। तो क्या हो जाएगा e रेस टू माइनस टू टी। अच्छा फॉर्मूला क्या है, टी रेस टू एन माइनस वन, मतलब टी रेस टू एन माइनस वन फाइव माइनस वन अपॉन फाइव माइनस वन फैक्टोरियल। या फिर मैं डायरेक्टली भी ले सकते हो, अभी याद रखो फॉर्मूला क्या सीधा, टी रेस टू जो भी पावर है कम होगा तो फाइव माइनस वन फोर है ना, और फाइव माइनस वन फोर, तो डायरेक्टली यहाँ से यहाँ लिख सकता हूँ मैं सीधा। ठीक है हाँ इनफैक्ट सम मैं ऐसे ही करूँगा, मैं डायरेक्टली ये लिखूंगा। ठीक है तो क्या करने का, एक पावर कम कर देना। ओके हाँ तो फर्स्ट शिफ्टिंग का फॉर्मूला भी होगा, नॉर्मल फॉर्मूलेज भी हो गए। ओके अभी हम लोग सम्स करते हैं, चलो टाइप वन करते हैं कन्वोल्यूशन थ्योरम। ठीक है तो देखो फर्स्ट सम है लाप्लास इनवर्स ऑफ वन बाय एस माइनस थ्री एस प्लस फोर होल स्क्वायर। ओके तो कन्वोल्यूशन थ्योरम में कहता हूँ मैं गिवन सम को टू पार्ट्स में डिवाइड करने का होता है, मतलब फर्स्ट पार्ट लिया वन बाय एस माइनस थ्री, उसका लाप्लास इनवर्स क्या आएगा ई रेस टू थ्री टी, और सेकेंड पार्ट वन बाय एस प्लस फोर होल स्क्वायर ना। ठीक है तो इसका लाप्लास इनवर्स बेसिकली देखो क्या आएगा मालूम है, इसका लाप्लास इनवर्स आएगा, अच्छा तो दिख रहा है नॉर्मल नहीं ना, एस प्लस फोर है। ठीक है मतलब क्या करने का, फर्स्ट शिफ्टिंग ना, अगर उन्होंने कहा ना ई रेस टू माइनस फोर टी,
और लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 बाय एस स्क्वायर, तो मैं निकाल रहा है कि शॉर्टकट माइनस 40 टी रेस टू, एक कम करने का तो 1 आएगा अपॉन 1 फैक्टर ले लेना। अच्छा तो ई रेस टू माइनस 40 टी 1 फैक्टर लेने का जो है ना 1, सब कमा नहीं करना प्रेजेंट एवरीवेयर यू नीड टू राइट। ओके हाँ, तो अभी नेक्स्ट देखो, इसका मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करता हूँ। तो बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम लाप्लास इनवर्स ऑफ जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है मेरा ये लिखो, ठीक है, इजी को कन्वोल्यूशन थ्योरम का सन को ना मेरे को दो पार्ट में डिवाइड करने का और इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन का लिमिट से आएगा 0 टू टी। अच्छा अब है ना कन्वोल्यूशन थ्योरम का देखो क्या बेसिक्स है, एक पार्ट को यू से रिप्लेस करने का, एक को टी माइनस टू से। अच्छा किसको यू से करने का, किसको टी माइनस टू से, किसको भी किससे भी कर सकते हो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर मेरे को ईजी तरीके से करना है मतलब एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, देखो क्या करने का, उनमें जो जिसमें कम टर्म्स रहेंगे ना उसको टी माइनस टू से करने का, मतलब ईजी पार्ट को, जो डिफिकल्ट जिसमें ज़्यादा टर्म्स है उसको करने का, उसको यू से रिप्लेस करने का, तो इसको टी माइनस टू से इसको यू से किया तो क्या हो जाएगा ई रेस टू 3 टी माइनस यू। ओके हाँ, और ये हो जाएगा इन टू ई रेस टू माइनस 4u, ओके 4u इंटू यू डी यू ना, समझा, एक को t माइनस यू से किया, एक को u से किया। चलो अभी फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आएगा e रेस टू ब्रैकेट ओपन 3t माइनस 3u, हाँ बीच से में जो इंडेक्सेस क्या आएगा ऐड आएगा ना, ओके तो अभी क्या आ जाएगा 0 टू t e रेस टू 3t माइनस 7u ना, हाँ माइनस 3u माइनस 4u ना। अच्छा अभी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ना लिएट ना, या फिर शॉर्टकट बोलूँ लेट वेट करने का जरूरत नहीं, तो भी शॉर्टकट है, तो जिसका डेडी जल्दी खत्म होता है उसको यू लेने का, दूसरे को वी लेने का, किसका डेडी जल्दी खत्म होता है ई रेस्टू एक्स का कि एक्स का, मतलब ई रेस्टू यू का कि यू का, ई रेस्टू यू का जल्दी खत्म होगा 1 होगा ना, और इसका तो जो नंबर चलता रहेगा ई रेस्टू यू ई रेस्टू यू ई रेस्टू यू कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग को ये जन्म भी सम करना है, ओके हाँ, तो देखो फर्स्ट करते हम लोग यू, ओके हाँ अभी देखो इसका इंटीग्रेशन करना है ना, एक का डेरिवेटिव एक का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन, हाँ तो क्या आएगा माइनस 7 कोएफिशिएंट ऑफ यू गेट्स डिवाइडेड ना, इंटीग्रेशन रूल ऑफ इंटीग्रेशन ना, हाँ डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई होता है इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है, माइनस अभी देखो क्या आएगा माइनस, मेरे को नेक्स्ट पार्ट क्या आएगा यू का डेरिवेटिव लेने का, हाँ एक कंटिन्यूसली डिफरेंशिएट करने का, एक कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, हाँ डिफरेंशिएशन स्टार्ट्स फ्रॉम सेकंड स्टेप। अभी इसका क्या करना है मेरे को इंटीग्रेशन, क्या आएगा ई रेस टू 3t माइनस 7, अच्छा एक माइनस 7 है, एक और माइनस 7 आएगा, और लिमिट क्या है 0 टू टी। अच्छा अब हो गया इंटीग्रेशन, आगे नहीं होगा, क्यों मान मैं 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो आगे और फर्दर ये होगा नहीं, ठीक है। अच्छा अब देखो t सब्स्टिट्यूट करने का, यू में कि t में, यू में बिकॉज इंटीग्रेशन के साथ क्या हम लोग ने यू के साथ किया है, तो यू में सब्स्टिट्यूट करना है, तो क्या आएगा टी ई रेस टू 3u माइनस 7u कितना हो जाएगा 3t माइनस 70 से, सॉरी 3t माइनस 70 कितना हो जाएगा ई रेस टू माइनस 40 अपॉन माइनस 7 माइनस ई रेस टू अगेन माइनस 40 अपॉन 40 में, ये तो हो गया मेरा अपर लिमिट ना, लोअर लिमिट क्या है 0 ना, तो 0 मल्टीप्लाई मैंने की 0 तो मत करो उसको माइनस, अब क्या आएगा ई रेस टू यू की जगह भी 0 तो सिर्फ 3t बचेगा और अपॉन 49 में, तो बेसिकली देखो क्या आंसर आ रहा है मेरे को, आंसर आ रहा है मेरे को टी ई रेस टू माइनस 40 अपॉन माइनस 7, ठीक है माइनस ई रेस टू माइनस 40 अपॉन 49 माइनस माइनस प्लस ई रेस टू 3t अपॉन 49, चलो मेरे को और भी सिंप्लीफाई करना, 49 कॉमन लिया, ठीक है तो क्या हो जाएगा अगर मैंने 1 अपॉन 49 कॉमन लिया तो क्या क्या आ सकता है मेरे को ये क्या हो जाएगा माइनस 7 टी ई रेस टू माइनस 40 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 7 है ना, ओके देन यहाँ पे ये तो सेम आएगा माइनस ई रेस टू माइनस 40 और प्लस ई रेस टू 30 खत्म हो गया, समझा, ओके हाँ तो ये मेरा फाइनल सिंप्लीफिकेशन होगा, समझा। तो कन्वोल्यूशन सिंपल है, क्या करने का, सबको दो पार्ट में डिवाइड करो, एक पार्ट को यू से रिप्लेस करो, एक को टी माइनस यू से, किसको भी कर सकते, कोई भी पार्ट को कैसे भी रिप्लेस करोगे, बस एक चीज़ रखना इजी पार्ट को टी माइनस यू से करना, डिफिकल्ट पार्ट को यू से करना। इजी पार्ट कैसे समझेगा, जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ टर्म्स रहेगा वो इजी पार्ट रहेगा, जिसमें ज़्यादा टर्म्स रहेगा वो क्या रहेगा डिफिकल्ट पार्ट रहेगा, ठीक है हाँ। तो अभी चलो नेक्स्ट सम पे जाते हैं हम लोग। अच्छा तो मैं एक बार ना सेकेंड सम भी करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने एक बार जनरलाइज करता हूँ क्या जनरलाइजेशन, लाप्लास इनवर्स ऑफ फाइ ऑफ एस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करने का सम को टू पार्ट्स में डिवाइड करने का ना, फाइ वन ऑफ एस इंटू फाइ टू ऑफ एस ना, ठीक है देन इंटीग्रेशन जीरो टू टी, हाँ इसका जो मेरे को लाप्लास इनवर्स आया वो जो पार्ट रहेगा एफ वन ऑफ टी आएगा, बट टी को किसी रिप्लेस करने का यू से रिप्लेस करने का, सेकंड का भी एफ टू ऑफ टी आएगा लेकिन टी को किसी रिप्लेस करने का टी माइनस यू से रिप्लेस करने का, ये जनरलाइजेशन हो गया,
ठीक है, कन्वर्जन थ्योरम बेसिकली मैंने डिफाइन कर दिया। चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। चलो लाप्लास इनवर्स ऑफ एस प्लस थ्री अपन एस स्क्वायर प्लस सिक्स एस प्लस थर्टीन होल स्क्वायर। अच्छा, अगर उसको मैंने डिवाइड किया एक एस प्लस थ्री एस स्क्वायर प्लस सिक्स एस प्लस थर्टीन और दूसरा वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस, मेरे को दिख रहा है कि ये कोई भी फॉर्मूले के फॉर्म में तो है भी नहीं, ठीक है, ना ही एस प्लस ए द होल स्क्वायर भी फॉर्म में नहीं, तो मेरे को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एस प्लस ए द होल स्क्वायर के टाइम। मतलब देखो ऐसा समझाएगा ना, एस स्क्वायर प्लस सिक्स एस, मतलब मेरे को मालूम है कि मेरे को थर्ड टर्म फाइंड करना है। क्या करना है? थर्ड टर्म, याद रखो ऐसा समझाएगा मेरे को थर्ड टर्म फाइंड करना है। थर्ड टर्म क्या फॉर्मूला, थर्ड टर्म मेरे को बचपन में पढ़ चुका है ना, हाफ इंटू मिडिल टर्म द होल स्क्वायर, है ना, हाँ बचपन में पढ़ा था ना, हाफ इंटू मिडिल द होल स्क्वायर। अच्छा हाफ, अब मिडिल टर्म क्या मेरे यहाँ पे सिक्स ना, तो स्क्वायर क्या आएगा बेसिकली, क्या आएगा थ्री स्क्वायर ना, दैट इज नाइन, ठीक है। तो देखो थ्री स्क्वायर ही आ रहा है यहाँ पे एस प्लस थ्री, तो देखो हो जाएगा मेरा सिंपलीफाई एकदम इजीली, एस प्लस थ्री एस स्क्वायर प्लस सिक्स एस प्लस नाइन लिखता हूँ, मेरे को थर्ड टर्म नाइन चाहिए ना, तो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। तो मैं दो ऑप्शन कर सकता हूँ, प्लस थर्टीन माइनस नाइन, ठीक है, तो मैं क्या एग्जाम में क्या टाइम पास करते बैठूंगा, थर्टीन माइनस नाइन नहीं, मैं क्या करूँगा सीधा डायरेक्टली लिखूंगा थर्टीन को स्प्लिट कर दूंगा ना, नाइन प्लस फोर ना, ठीक है, हाँ तो मैंने ये कर दिया। अच्छा ये मेरा क्या है अभी, परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ है, वही तो क्या ना, मैंने थर्ड टर्म इसलिए तो फाइंड किया परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए। हाँ तो अब ये क्या आएगा, एस प्लस थ्री क्या आएगा, एस प्लस थ्री द होल स्क्वायर ना, प्लस फोर स्क्वायर है चाहिए तो उसको टू स्क्वायर ले सकता और वापस पूरे का स्क्वायर। तो अभी देखो एस प्लस थ्री है ना, जहाँ पे भी एस एस, जहाँ पे देखो एस प्लस थ्री सिर्फ न्यूमरेटर में था, डिनोमेटर में एस प्लस थ्री का नहीं, एस स्क्वायर था एस था नहीं, तो यहाँ पे देखो अभी सिर्फ एस प्लस थ्री, जिधर भी एस है एस प्लस थ्री ही है साथ में, तो मैं एक काम करता हूँ ई रेस टू माइनस थ्री ले सकता हूँ फर्स्ट शिफ्टिंग ना, है ना, तो क्या बचेगा लाप्लास इनवर्स ऑफ क्या आएगा, एस एस प्लस थ्री में रिप्लेस बाय एस ना, एस स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर का स्क्वायर। हाँ अब भी मैं कन्वर्जन थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ, ओके तो कन्वर्जन थ्योरम अप्लाई करता हूँ। चलो फर्स्ट पार्ट क्या आएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ, एक पार्ट क्या आएगा या फिर इसी फंक्शन को मैं देखो, चलो दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर का स्क्वायर ना, फर्स्ट पार्ट क्या रहेगा, एक पार्ट रहेगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर और एक रहेगा वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर ना, समझा, दो पार्ट डिवाइड हो गया। अभी दोनों का लाप्लास इनवर्स फाइंड करो, कन्वर्जन थ्योरम ना, एक को यू से रिप्लेस करने का एक को टी माइनस यू, तो चलो वो करते हैं हम लोग कन्वर्जन थ्योरम अप्लाई करते हैं, ठीक है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों का लाप्लास इनवर्स निकालो। चलो लाप्लास इनवर्स, ओके लाप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर क्या आएगा, कॉस टू टी ना, एंड देन लाप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, तो क्या फॉर्मूला है, वन बाय ए, तो वन बाय टू साइन टू टी, ओके हाँ। तो अभी चलो कन्वल्यूशन थ्योरम ना, बाय कन्वल्यूशन थ्योरम किस पे कन्वल्यूशन थ्योरम अप्लाई करना है, इस पे ना, लाप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर द होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे मैं क्वेश्चन क्यों लिख रहा हूँ, उसके रीजन है, क्वेश्चन तो ये है, तो जो भी मेरा फाइनल आंसर आएगा उसका मल्टीप्लाई करना, मैं कन्वल्यूशन इस पर अप्लाई करूँ, ये मैंने, ये मेरे को फाइनल आंसर को सिर्फ मल्टीप्लाई करना, मैं इस पर कन्वल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे को यही लिखना, मैं ये मैं फाइनल आंसर को सीधा मल्टीप्लाई कर दूँगा, बताता हूँ क्या करना। तो ये लो अभी चलो इसका क्या कन्वल्यूशन, जीरो टू टी, अच्छा एक पार्ट को यू से रिप्लेस करना है एक को टी माइनस यू से, चलो इसको टी माइनस यू से किया, इसको यू से किया, चलो हाफ साइन टू टी माइनस यू, इसको भी कर सकते हो, दोनों सेम पार्टी है, कुछ फर्क नहीं है, ठीक है, तो चलो हाफ कॉन्स्टेंट है बाहर ले लिया, जीरो टू टी, ओके हाँ। अभी साइन ए कॉस बी क्या फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी है ना, डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूला क्या है, साइन ऑफ ये ए पूरा मेरा टू टी माइनस टू हुआ प्लस साइन ए प्लस बी प्लस साइन क्या आएगा ए माइनस बी ना, ठीक है, फॉर द टाइमिंग मैं इसको हटा देता हूँ, तो इजीली सिंप्लीफाई कर सकूँ ना मैं, साइन ऑफ ए प्लस बी और साइन ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या मेरा टू टी माइनस टू यू माइनस टू यू ना, ओके डिवाइड बाय टू फॉर्मूला ना, हाँ और डी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी अपॉन टू ना, डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, तो ये हाफ है, अच्छा ये भी टू है बाहर, तो बाहर वापस बढ़ा देगा, ये भी बाहर आ जाएगा ना कॉन्स्टेंट साइन, ये क्या हो रहा है साइन टू टी माइनस फोर यू आ रहा है और ये साइन नहीं सॉरी 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 साइन टू टी माइनस फोर यू नहीं आ रहा, कैंसिल हो जाएगा ना, साइन टू टी आ रहा है प्लस साइन हाँ यहाँ पे आ रहा है टू टी माइनस फोर यू आ रहा है ना, ओके हाँ और ये क्या आ रहा है डी यू। अच्छा अब इसका इंटीग्रेशन करो, बताओ मेरे को साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन टू टी क्या इंटीग्रेशन आएगा, कॉस टू टी ना, रॉन्ग हो गया, ये सब बोलते हैं ना, ये एक्चुअली ये कैसा है
तुम खुशी खुशी साइन का कॉस लिखेगा, कभी खुशी वाला कभी गम वाला सम हो जाएगा, 12 के रिलेज होगा, अरे बाप रे अंदर खुश, अरे क्या बीजी सम था क्या चेली सम दे दिया, 12 के मन पड़ेगा अरे इसीलिए मिस्टेक कर दिया, साइन टू को इंटीग्रेट नहीं करना था बिकॉज इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू यू, तो साइन टू टी वैसा का वैसा ही रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ वन क्या होता है, कुछ भी नहीं मतलब सबका मालिक एक ना, प्रेजेंट एवरीवेयर नहीं है ना, तो साइन टू टी इंटू यू होगा प्लस साइन टू टी माइनस फोर यू, साइन का क्या होता है माइनस कॉस, ठीक है, टू टी माइनस फोर यू, कोएफिशिएंट ऑफ यू गेट्स डिवाइडेड। अच्छा क्या है कोएफिशिएंट ऑफ यू, क्या है यहाँ पे कितना है माइनस फोर ना, ठीक है, और लिमिट्स क्या है जीरो टू टी, समझा। तो देखो ये मिस्टेक होगा, साइन टू टी वन का इंटीग्रेशन का यू, साइन का क्या होता है माइनस फोर कॉस, और कोएफिशिएंट ऑफ यू क्या होता है डिवाइड होता है ना इंटीग्रेशन में, ओके। तो अच्छा देखो अब इसका इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, वन बाय फोर, अच्छा यू की जगह पे टी, हाँ टी की जगह पे, अच्छा साइन टू टी हाँ इन टू टी, अच्छा बहुत लोग क्या करेगा साइन टू टी स्क्वायर, नहीं वो भी रॉन्ग है, एक काम कर दो टी आगे लिख दो, कन्फ्यूजन ही नहीं रहेगा, साइन टू टी, टी साइन टू टी हो गया, माइनस माइनस प्लस, हाँ अभी सब्स्टिट्यूट किया, कॉस टू टी माइनस फोर टी क्या होता है कॉस ऑफ माइनस टू टी अपॉन फोर, ये मेरा क्या हो रहा है बेसिकली अपर लिमिट ना, हाँ माइनस लोअर लिमिट, चलो लोअर लिमिट में क्या आ रहा है जीरो, तो जीरो मल्टीप्लाई करेंगे एनटी इज जीरो, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और कॉस क्या आएगा टू टी माइनस जीरो ना, तो टू टी बचेगा अपॉन फोर, ओके। तो बेसिकली देखो क्या आ रहा है वन बाय फोर टी साइन टू टी माइनस कॉस टू टी बाय फोर, माइनस आएगा नहीं आएगा क्यों, देखो कॉस ऑफ माइनस सीटा, कॉस ऑफ माइनस सीटा इधर लिखता हूँ, कॉस ऑफ माइनस सीटा क्या होता है कॉस सीटा, तो सिर्फ प्लस कॉस टू टी बाई फोर आएगा, माइनस कॉस टू टी बाई फोर, ओके। बेसिकली ये क्या होगा कैंसिल हो गया ना, तो आंसर क्या आ रहा है वन बाय फोर टी साइन टू टी, ठीक है, हाँ। बट अगर मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया तो वापस वही कभी खुशी कभी गम, क्योंकि यहाँ तक नहीं है फाइनल आंसर, क्या देखो लाप्लास इनवर्स पूरा क्वेश्चन लिखा क्या था एस प्लस थ्री अपॉन एस स्क्वायर प्लस सिक्स एस प्लस थर्टीन द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस फोर टी था ना एक बार, है ना ई रेस टू माइनस थ्री टी था, सॉरी फोर टी नहीं था, ई रेस टू माइनस थ्री टी बार था ना, हाँ फर्स्ट शिफ्टिंग किया था ना हम लोग ने, लाप्लास इनवर्स तो मैंने इतने का ही निकाला है, उसके आगे ई रेस टू माइनस थ्री मल्टीप्लाइड था वो भी लिखना पड़ेगा, इन टू क्या आएगा वन बाय फोर टी साइन टू टी, हाँ ये मेरा फाइनल आंसर है, समझा, ये मेरा फाइनल आंसर है, समझा। तो कन्फ्यूजन हो गया, कन्फ्यूजन सिंपल था, क्या करने का इंटीग्रेशन जीरो टू टी, एक पार्ट को यू से रिप्लेस करने का, एक को टी माइनस यू से, ठीक है, ओके। अच्छा तो देखो अभी लास्ट टाइप, टाइप टू मतलब ये वीडियो के लिए लास्ट टाइप, बाकी सिक्स टाइप है, टाइप टू यूज ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अगर डिफरेंशिएशन कभी यूज करने का, जब लॉग टेन इनवर्स कॉट इनवर्स का सम आएगा, ठीक है, तो टाइप टू क्या मेरा बेसिकली यूज ऑफ डिफरेंशिएशन नहीं समझा बाढ़ में गया, चलो ये याद रखो क्या रहेगा, लॉग टेन इनवर्स कॉट इनवर्स का सम आया तो मेरे को टाइप टू, मेरा टाइप टू क्या लॉग कॉट इनवर्स टेन इनवर्स, और अगर लॉग टेन इनवर्स कॉट इनवर्स का समय तो क्या करने का मेरे को डिफरेंशिएशन यूज करने का, कैसे देखो चलो एक सम लेते हैं, लाप्लास इनवर्स ऑफ टेन इनवर्स ऑफ वन बाय एस, ठीक है, तो टेन इनवर्स का समय है तो बोलने अरे हाँ सर ने बोला था लॉग टेन इनवर्स कॉट इनवर्स, क्या करने का डिफरेंशिएशन, क्यों करने का डिफरेंशिएशन, टेन इनवर्स का मेरे पास है क्या लाप्लास इनवर्स का फॉर्मूला, नहीं है, उसके लिए ही मैं बोल रहा हूँ कि ये एक डिफरेंट टाइप है, ठीक है, तो मेरा मैं टाइप को क्या बोलूँगा लॉग टेन इनवर्स ऑफ कॉट इनवर्स वाला टाइप। तो डिफरेंशिएशन कैसे करेगा, अच्छा मैंने इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय टी, लाप्लास ऑफ टी, टी एफ ऑफ टी क्या था, क्या आया था माइनस वन है ना, और इनटू डेरिवेटिव ऑफ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी ना, अच्छा तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी डिफरेंशिएशन आ रहा है, लेकिन अगर मल्टीप्लाई बाय टी कर रहा हूँ और माइनस आ रहा है, ठीक है, तो अगर मेरे ये तो इन्वर्स है ना, इन्वर्स में क्या आएगा मल्टीप्लाई बाय टी नहीं करना पड़ेगा मेरे को, अगर डेरिवेटिव अप्लाई करना है तो डिवाइड बाय टी करना पड़ेगा और माइनस आई इसमें भी रहेगा, माइनस वन बाय टी लाप्लास इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव टेन इनवर्स, ठीक है, मतलब सिंपल है, बाहर क्या लिखो माइनस वन बाई टी लिखो और अंदर क्या करो डिफरेंशिएशन करो, मतलब अगर डेरिवेटिव करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा माइनस वन बाई टी बाहर लिखना पड़ेगा, तो माइनस वन बाई टी, अच्छा और किसके किसके लिए लॉग टेन इनवर्स कॉट इनवर्स, अच्छा माइनस वन बाई टी लाप्लास इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव, क्या डेरिवेटिव आएगा वन टेन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है वन अपॉन एक्स, टेन इनवर्स ऑफ एक्स क्या है वन अपॉन वन वन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ना, तो एक्स स्क्वायर क्या है वन बाय एक्स स्क्वायर, और वापस उसका क्या है मेरे को इसका ऑपोजिट शेयर ना, वन बाय एक्स का क्या आएगा डेरिवेटिव माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर ना,
ठीक है, तो माइनस वन बाय टी लाप्लास इनवर्स क्या आएगा, वन बाय स्क्वायर प्लस वन अपॉन स्क्वायर इंटू माइनस वन अपॉन स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, इनफैक्ट ये माइनस को बाहर देता हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ठीक है। तो अभी देखो वन बाय टी बेसिकली क्या आ रहा है, लाप्लास इनवर्स ऑफ वन बाय स्क्वायर प्लस वन, क्या है ला किसका लाप्लास इनवर्स है, ये साइन टी का ना, किसका लाप्लास इनवर्स है, ये साइन टी का, ओके। तो सम फिनिश हो गया, समझा, हाँ। तो टाइप टू तो कर लिया हम लोग ने, फोर टाइप्स रिमेनिंग, फोर टाइप्स में आगे की वीडियोज़ में करूँगा, ओके गाइस। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो।